Good morning, students. So let us begin our class today. In the last class, we already saw what Python Pandas is, and after that, we also saw how to use Python Pandas. As you can see here, just above the image in which I am appearing, there it is already written that importing Python Pandas is important. So how that can be imported? That can be imported like import pandas as pd. It is imported in the same way as numpy was getting imported. It was imported as import numpy as np. And if you remember, I already told you that Python Pandas also creates some arrays. That is why we also need to import numpy along with Python Pandas. All right. After that, we saw why pandas we will be using, because it has many features based on which we will be using pandas. Next was Python pandas data structure. What is data structure? It is the way of arranging data. And how many ways do we have of arranging data? We have two ways of arranging the data. All right. So today, what we will be doing, we will be going through with the first way of data structures, the first way of arranging data, that will be the series structure. The second is what? The second is data frame structure. We will be seeing it at a later point of time. But for today's class, we will be going on with the series kind of data structure. Again, we also saw the property, different differences between the series and data frame objects. And now, today, the topic that we are going to start is series data structure. All right. So let us start with our today's class, that is based on series data structure. First of all, let us understand what this series data structure is. All right. So the series data structure is what? It is a structure in which only 1D array will be imported. All right. सीरीज स्ट्रक्चर है या यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ 1D एरे का डेटा ही इंपोर्ट किया जाएगा. 1D एरे मतलब मींस देयर विल बी ओनली वन कॉलम एंड डिफरेंट रोज कैन बी देयर, है ना. तो सिर्फ एक ही कॉलम रहने वाला है यहाँ पर, मल्टीपल कॉलम्स यहाँ पर नहीं रहने वाले हैं. मतलब मल्टी डायमेंशनल एरे स्टोर नहीं किया जा सकता इस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर. तो इस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो डेटा स्टोर किया जा सकता है वो होगा सिंगल डायमेंशनल डेटा, है ना, या वन डायमेंशनल एरे ही यहाँ पर यूज किया जाता है. ठीक है. अब ये हमने देखा था कि पांडास से क्यों अलग है, पांडास नंपाई से क्यों अलग है. तो इसलिए अलग है कि वहाँ पर डेटा का रेफरेंस हमेशा इंडेक्स से होता है. चलो यहाँ पर भी होता है, बट वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर इंडेक्स इज ऑलवेज द सेम 0, 1, 2, 3, 4. बट यहाँ पर हम लोगों को एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि यहाँ पर हम इंडेक्स हमारे हिसाब से चुन सकते हैं, हमारे हिसाब से इंडेक्स बना सकते हैं, जैसा भी हम बनाना चाहें. ठीक है. तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो अभी आपको ये इस तरीके के ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये एक दो और ये तीन, ये जो तीनों स्ट्रक्चर्स अभी आपको दिख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, ये तीनों स्ट्रक्चर्स क्या हैं? ये सीरीज डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, है ना. और इस सीरीज डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ये सारी जो वैल्यूज़ लिखी हुई है, ये 21, 23, 20, 18, 25, ये सारी वैल्यूज़ क्या हैं? तो ये सारी वैल्यूज़ उसके ऑब्जेक्ट्स हैं. किसके ऑब्जेक्ट्स हैं? उस सीरीज डेटा स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट्स हैं. ऑलराइट. तो ये हमको अगर क्लियर हो गया है कि ये सीरीज डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, तो ये एक वन डायमेंशनल एरे से बनता है जिसमें कुछ डेटा स्टोर किया जाता है, इंडेक्सिंग उसकी कर सकते हैं हम जैसे ही करना चाहें, और इसमें जो डेटा स्टोर होगा उनको क्या बोलेंगे, डेटा ऑब्जेक्ट्स, है ना. जो भी डेटा स्टोर होगा उसको डेटा ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे. ऑलराइट. लेबलिंग हमेशा कैसे होगी? तो लेबलिंग हमेशा जिससे होगी वो होगा क्या, इंडेक्स. हमेशा लेबलिंग इंडेक्स से की जाएगी. इंडेक्स पाइथन पांडास है ये, सो वी आर फ्री टू यूज एनी काइंड ऑफ इंडेक्स, वट एवर वी वॉन्ट. वी आर नॉट लिमिटेड टू ओनली 0, 1, 2, 3, 4 दिस टाइम. ऑलराइट. सो लेट अस सी हाउ सीरीज ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्रिएटेड इन पांडास. चलिए, तो अब सीरीज ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए हमको सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा. अब हमने पहले ही बात कर ली कि भैया ये वन डायमेंशनल एरे बनाएगा. अब जब ये वन डायमेंशनल एरे बना रहा है, मतलब नंपाई की ज़रूरत तो पड़ रही है, नंपाई की ज़रूरत पड़ रही है. और हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं पांडास. तो पांडास में नंपाई की ज़रूरत पड़ रही है, तो सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना पड़ेगा,
दो फाइल्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा, कौन कौन सी? तो पहली होगी इंपोर्ट numpy एज np, हम एज np क्यों लिख रहे हैं, एलायस कर रहे हैं उसका np, तो एलायसिंग करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हम numpy 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 बार बार नहीं लिखना चाहते, तो उसको हमने शॉर्ट में एज np इसलिए बता दिया ताकि हम बार बार np भी लिखें तो हमारा काम बन जाए। और दूसरी फाइल जो आपको इम्पोर्ट करनी पड़ेगी वो क्या होगी, इम्पोर्ट पांडाज एज pd। तो यहाँ पर ये दो फाइल्स इम्पोर्ट करने के बाद अब हम तैयार हैं कि हम कोई भी डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल हम कौन से डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं, सीरीज़ टाइप के डेटा स्ट्रक्चर का। तो सीरीज़ टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए जो एक मेन फंक्शन है, जैसे एरे बनाने के लिए मेन फंक्शन क्या था, एरे फंक्शन, एरे फंक्शन यूज़ करते थे तो एरे बन जाता था। अब हमको सीरीज़ डेटा स्ट्रक्चर बनाना है, तो सीरीज़ डेटा स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो सबसे मेन फंक्शन जो हमको यूज़ करना है वो कौन सा होगा, तो वो होगा ये आपकी स्क्रीन पर जिसको मैंने मार्क किया, क्या है वो, सीरीज़ फंक्शन। तो आप लोगों को इस सीरीज़ फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका यूज़ करके आप सीरीज़ ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हो पांडास के अंदर, ठीक है। अब हमको ये पता चल गया कि सीरीज़ फंक्शन का यूज़ करके हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। चलिए तो कौन कौन से केसेस हैं हमारे पास, हम पहले उनको देखते हैं। सबसे पहला वे इन्होंने कौन सा बताया है, तो सबसे पहला वे बताया है क्रिएटिंग एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट्स बाय यूजिंग सीरीज फंक्शन विथ नो पैरामीटर। पैरामीटर मतलब क्या होता है, ये आप जो ये फंक्शन का साइन लगाते हो है ना, ये इधर अंदर जो भी वैल्यूज़ आप पास करते हो इन वैल्यूज़ को बोला जाता है पैरामीटर, ठीक है। इन वैल्यूज़ को क्या बोला जाता है, पैरामीटर। तो यहाँ पर हमने क्या बोला, हम कैसा सीरीज ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। जब एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो इस सीरीज फंक्शन के अंदर जो ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर क्या कुछ लिखना पड़ेगा, तो नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि हमको एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट बनाना है ना। और एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट मतलब क्या, एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर, सीरीज डेटा स्ट्रक्चर जो कि खाली है, जो कि एम्प्टी है। तो उसको बनाने के लिए आपको इस सीरीज का जो ब्रैकेट है उसके अंदर आपको कोई भी पैरामीटर पास नहीं करना होगा। चलिए तो देखते हैं कैसे इसको क्रिएट किया जा सकता है, रीड करते हैं नेक्स्ट लाइन में इन्होंने क्या लिखकर बताया। टू क्रिएट एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट दैट इज हैविंग नो वैल्यूज यू कैन जस्ट यूज द सीरीज फंक्शन एज लाइक दिस वे। कैसा दिया हुआ है चलिए देखते हैं। पहले तो आपको लिखना है सीरीज ऑब्जेक्ट, कुछ भी आप नाम दे दो, A1, B1, O1, O2, OBJ1, OBJ2, जो नाम आप देना चाहो वो नाम आप दे सकते हो यहाँ पर, है ना। नाम दे दिया आपने, उसके बाद आपने लगाया इक्वल टू का साइन। अब पांडास है तो आपने लिख दिया पांडास, तो यहाँ पर पांडास भी लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, PD भी लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो PD, क्योंकि हमने ऊपर फाइल को इम्पोर्ट किया हुआ है। तो या तो पांडास डॉट सीरीज फंक्शन लिख लो या तो PD डॉट सीरीज फंक्शन लिख लो, कोई एरर आने वाली बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो अब क्या किया हमने, अब यहाँ पर हमने पूरा एक ऑब्जेक्ट बना लिया, सीरीज ऑब्जेक्ट। अब उसको क्रिएट करके पांडास डॉट सीरीज फंक्शन में लिख लिया। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया OBJ3, कुछ भी नाम दे सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। आपने नाम दे दिया OBJ3, और OBJ3 के अंदर आपने अब सीरीज फंक्शन बनाना था एम्प्टी। तो यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर कोई पैरामीटर पास होगा क्या, नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो PD डॉट सीरीज फंक्शन के अंदर कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया गया है। ऐसा आप अगर लिखोगे तो ये एक एम्प्टी सीरीज फंक्शन क्रिएट करेगा। ऑल राइट, अब यहाँ पर आपने क्या किया, स्क्रीन पर OBJ3 लिख दिया, मतलब आप OBJ3 की वैल्यू को प्रिंट करना चाह रहे हो। तो अब जब आपने इसको प्रिंट करने की कोशिश की तो आपको आउटपुट क्या मिला, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर आउट, आउट मतलब क्या है, आउटपुट है। तो क्या आउटपुट मिला, आउटपुट मिला सीरीज, उसके अंदर वैल्यूज़ क्या है, ब्लैंक, और डेटा टाइप क्या दे दिया उसने, फ्लोट 64। क्यों दे दिया फ्लोट 64, क्योंकि ये हमारा जो डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप होता है वो फ्लोट 64 ही होता है नमपाई के अंदर, और नमपाई के अंदर होता है तो वो नमपाई के ही डेटा स्ट्रक्चर, नमपाई के ही डेटा टाइप्स को यूज़ करता है कौन, पांडास। तो यहाँ पर क्या होगा, फ्लोट 64 ही डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप यहाँ पर आपको प्रिंट होकर दिखेगा। ऑलराइट,
ये तो हो गया। चलो, क्या पहला तरीका कि हमको एम्प्टी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने थे तो बना लिए, सीरीज फंक्शन लगा दिया, पैरामीटर कुछ भी पास नहीं किया, एम्प्टी फंक्शन बन गया। पर क्या जब हमको नॉन एम्प्टी फंक्शंस बनाने हो तब क्या करना है? तो जब आपको नॉन एम्प्टी क्रिएट करना हो सीरीज ऑब्जेक्ट्स, तो नॉन एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? जहाँ पर आप कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर रहे थे वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? पैरामीटर पास करना पड़ेगा। तो चलिए ठीक है, पैरामीटर पास करके देखेंगे। कहाँ पर पास करेंगे पैरामीटर? तो ये जो सीरीज फंक्शन के अंदर का ब्रैकेट था वहाँ पर हम पैरामीटर पास करेंगे। तो क्या पैरामीटर पास करेंगे? तो सबसे पहला पैरामीटर होगा हमारा डेटा, कि क्या डेटा हम उसके अंदर डालने वाले हैं। वो एक डेटा वैल्यू उसके अंदर आएगी और एक होगा इंडेक्स। ये दो पार्ट्स में आप वैल्यूज़ इनपुट करोगे। तो डेटा पार्ट में क्या आएगा? जो भी आप डेटा इनपुट करना चाहते हो वो, और इंडेक्स पार्ट में क्या आएगा? जो भी आप इंडेक्स प्रोवाइड करना चाहते हो, ए बी सी डी 1 2 3 4 एक्स वाई जेड, जो भी आप प्रोवाइड करना चाहते हो इंडेक्स वो, ठीक है। तो इनका यूज़ करके, ये जो आपने पैरामीटर्स यहाँ पर पास करे, इनका यूज़ करके आप एक नॉन एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। ऑलराइट, तो इस तरीके से नॉन एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा। अब देखिए, नीचे इन्होंने लिखकर हमको बताया है कि ये जो डेटा है, ये डेटा किस तरीके का हो सकता है, ठीक है। तो डेटा के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ आ सकती है? तो पाइथन के सीक्वेंसेस आ सकते हैं, कोई भी आपका एन डायमेंशनल एरे आ सकता है, पाइथन डिक्शनरी आ सकती है, या स्केलर वैल्यूज़ है, स्केलर मतलब सिंगल वैल्यूज़। तो ये सारी वैल्यूज़ आप इसके अंदर इनपुट कर सकते हो, ठीक है। कौन कौन से इनपुट कर सकते हैं तो वो हम एक बार देखते हैं। तो जो वैल्यूज़ उसके अंदर इनपुट की जा सकती हैं वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहली वैल्यू है पाइथन के सीक्वेंसेस इनपुट कर सकते हैं, एन डायमेंशनल एरे को इनपुट कर सकते हैं, उसके बाद हम इनपुट कर सकते हैं पाइथन की डिक्शनरीज़ को, और स्केलर वैल्यूज़ मतलब सिंगल वैल्यूज़। ये सारी वैल्यूज़ कहाँ पर आ सकती हैं? तो ये सारी वैल्यूज़ आपके डेटा की जगह पर आ सकती हैं, है ना। ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये सारी वैल्यूज़ डेटा की प्लेस पर आ सकती हैं। कैसे आ सकती हैं, कैसे आएंगी, ये अभी हमको नेक्स्ट पार्ट में क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने चारों चीज़ें अभी पीछे देखी, कौन कौन सी, ये पाइथन सीक्वेंस, एन डी एरे, पाइथन डिक्शनरी, स्केलर वैल्यू, अब हम देखने जा रहे हैं इनको थोड़ा सा डिटेल में। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। देखो, अब हमको पता तो चल गया कि भैया पाइथन सीरीज़ के अंदर अगर नॉन एम्प्टी डेटा डालना है तो दो पार्ट में डलेगा, पहला तो डेटा पार्ट और दूसरा इंडेक्स पार्ट। ऑलराइट, तो अब चलो देखते हैं कि कैसे इसको क्रिएट करते हैं। तो अब जब डेटा पार्ट, अब आपको नॉन एम्प्टी बनाना है तो डेटा पार्ट में कुछ वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो अभी हम कौन सी वैल्यू डाल रहे हैं हम उसके अंदर? अभी हम उसके अंदर पाइथन सीक्वेंसेस को इनपुट करने वाले हैं। चलो देखते हैं पाइथन के सीक्वेंसेस को कैसे इनपुट किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपल होगा, जो आपका सिंटेक्स था वहाँ पर सेम सिंटेक्स आपको यहाँ पर भी मिलेगा। आपको सिंपली अब क्या करना होगा, यहाँ पर अंदर कोई सीक्वेंस आपको इनपुट करके देना पड़ेगा। कैसे सीक्वेंस इनपुट करेंगे तो चलिए वो देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। आप अभी आपकी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये एक एग्जांपल है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, एक ओबीजे वन नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, पीडी डॉट सीरीज। एक चीज़ ध्यान रखना, सीरीज़ का एस कैपिटल होता है। ऑलराइट, सीरीज़ का एस आपको यहाँ पर कैपिटल लिखना होगा। ऑलराइट, तो आपने यहाँ पर क्या किया, पीडी डॉट सीरीज़ फंक्शन लगाया, और एक आपने पाइथन का एक जो दूसरा फंक्शन था जिसका नाम था रेंज फंक्शन, वो आपने यहाँ पर यूज़ कर लिया। रेंज फंक्शन क्या बोलता है, आपने रेंज दे दी 5। रेंज अगर आपने 5 दे दी, इसका मतलब क्या हुआ, रेंज कहाँ से शुरू हो रही है, 0 से कहाँ तक जा रही है, 5 तक। पर क्या 5 तक रेंज जा रही है तो 5 काउंट होगा? नहीं होगा। क्या काउंट होगा, सिर्फ 4 तक काउंट होगा। तो यहाँ पर वैल्यूज़ क्या प्रिंट होंगी, रेंज 5 तक प्रिंट होगी, मतलब 0 1 2 3 4, ये 5 वैल्यूज़ यहाँ पर प्रिंट होगी 0 से लेकर 4 तक की। ये आपने यहाँ पर रेंज में ये लिखकर आपने यही क्लैरिफाई किया है, रेंज 5 मतलब 0 से लेकर 4, है ना। 5 तो काउंट नहीं होता, एंड वैल्यू काउंट नहीं होती, ये हमने लास्ट ईयर बहुत अच्छे से समझा था। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि एंड वैल्यू काउंट नहीं होगी। और जब आप इसको प्रिंट करेंगे ओबीजे वन को, तो देखो आउटपुट में यहाँ पर आपको वो डेटा आके दिख गया, ठीक, 0 1 2 3 4 डेटा आके दिख गया। पर क्या आपने यहाँ पर कोई इंडेक्स पास किया? इंडेक्स तो पास किया ही नहीं। तो
जब आप कोई इंडेक्स पास नहीं करते हो तो पांडास का जो डिफॉल्ट इंडेक्स होता है वो ही यहाँ पर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। और डिफॉल्ट इंडेक्स क्या होता है? जो नंपाई का होता है। क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4। तो जो नंपाई का हमारा जो इंडेक्स होता है वो इंडेक्स पाइथन का डिफॉल्ट इंडेक्स होता है। अगर आप कोई इंडेक्स वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने कोई डेटा के बाद कोई इंडेक्स वैल्यू प्रोवाइड नहीं करी है, तो यहाँ पर सिंपली जो डिफॉल्ट हमारा इंडेक्स है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ऑल राइट, सो ये आउटपुट आपको प्रिंट होता हुआ दिखेगा एज अ पाइथन सीक्वेंस। ऑल राइट, एक और एग्जाम्पल दिया है। हाँ चलिए ठीक है, वी आर गिवन वन मोर एग्जाम्पल, लेट अस सी व्हाट दिस एग्जाम्पल इज। यहाँ पर देखिए, इस एग्जाम्पल में इन्होंने ओबीजे टू क्रिएट कर लिया। ओबीजे वन बाजू में क्रिएट किया था, अभी रेंज 5 दी थी। यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया जिसको बोल दिया ओबीजे टू, पीडी डॉट सीरीज, सीरीज का एस बड़ा, फंक्शन का ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज पास होती हैं इनको बोलते हैं पैरामीटर्स। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज पास होती हैं उनको बोलते हैं पैरामीटर्स। क्या वैल्यूज पास करी आपने? यहाँ पर आपने एक लिस्ट पास करी, दिख रहा है स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है। ये पाइथन का सीक्वेंस है ना? ये भी पाइथन का सीक्वेंस है। रेंज फंक्शन भी पाइथन का सीक्वेंस था, ये भी पाइथन का सीक्वेंस है। ये क्या है? लिस्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर पास किया है ना, तो लिस्ट है। क्या वैल्यूज है लिस्ट के अंदर? 3.5, 5.0, 6.5, 8.0। नाम इनकी वैल्यूज देखकर ही पता चल रहा है कि ये कैसी हैं। ये फ्लोट टाइप की वैल्यूज है ना? जब ये फ्लोट टाइप की वैल्यूज हैं तो आप देखो यहाँ पर नीचे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फ्लोट 64 डेटा टाइप प्रिंट कर देता है। अब आप जब इसको प्रिंट करोगे, अब आपने यहाँ पर भी कोई इंडेक्स दिया क्या? नहीं दिया। जब आपने कोई इंडेक्स नहीं दिया तो डिफॉल्ट इंडेक्स प्रिंट होगा। ये इंडेक्स 0, ये इंडेक्स 1, ये इंडेक्स 2, ये इंडेक्स 3। तो 0, 1, 2, 3 है ना, ये इंडेक्सेस यहाँ पर प्रिंट होंगे, 0, 1, 2, 3। देखो आप यहाँ पर आउटपुट में देख सकते हो, यहाँ पर भी वही इंडेक्स प्रिंट हुए हैं, 0, 1, 2, 3। ये इंडेक्सेस यहाँ पर प्रिंट हुए हैं और वैल्यूज़ उसने यहाँ पर फ्लोट टाइप की कंसिडर कर ली है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स यूजिंग विच दे हैव एक्सप्लेन्ड अस हाउ यू कैन यूज पाइथन सीक्वेंस इन सीरीज। ऑल राइट, अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं हमको, अब हम इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके देखते हैं कि एग्जाम्पल्स हमसे क्या करवाना चाह रहे हैं। लेट अस गो थ्रू द फर्स्ट एग्जाम्पल। राइट कोड टू क्रिएट अ सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग पाइथन सीक्वेंस 4, 6, 8, 10। देखो यहाँ पर वैल्यूज दे दी। क्या वैल्यूज देना है आपको? 4, 6, 8, 10। पाइथन सीक्वेंस सिंपली उनने लिख दिया क्योंकि हम पाइथन सीक्वेंस ही अभी समझ रहे हैं। 4, 6, 8, 10 वैल्यू डालना है। अज्यूम दैट पांडास इज इम्पोर्टेड एज एलायस नेम्ड पीडी। यहाँ पर बोल रहा है वह स्पेसिफिकली कि जब आप पाइथन सॉरी पांडास को इम्पोर्ट करो तो आपको क्या एलियाजिंग करनी है, तो आप लोगों को एलियाजिंग करनी है पीडी। तो हमको पता ही है, हम तो करते ही हैं इम्पोर्ट पांडास एज पीडी। तो ये हमने पहली लाइन में कर दिया, फर्स्ट पार्ट का काम जो था वो ख़त्म हो गया। अब उसने क्या बोला? आपको एक सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है किन वैल्यूज़ का यूज़ करके? 4, 6, 8, 10। तो चलो ठीक है, आपने S1 मन से नाम दे दिया, सीरीज पहली बना रहे थे हम, पहला एग्जाम्पल था हमारा, तो हमने S1 दे दिया। आप SER1 दे दो, सीरीज 1 दे दो, सीरीज 0 1 दे दो, है ना, जो नाम देना चाहो आप दे सकते हो। यहाँ पे हमने सिंपल रखने के लिए S1 नाम दे दिया है। फिर PD के फॉर्म में इम्पोर्ट किया है, तो यहाँ पर हम PD.Series लिख सकते हैं, सीरीज का S कैपिटल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इम्पोर्ट कर दिया, इम्पोर्ट पांडाज एस PD, S1 के अंदर वैल्यू डाल दी PD.Series फंक्शन, और जैसा उसने लिख के दिया था स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 4, 6, 8, 10 है ना। यहाँ पर देखो ये इसने लिख के दिया था, ब्रैकेट स्क्वायर था 4, 6, 8, 10, तो यहाँ पर भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया 4, 6, 8, 10। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया 4, 6, 8, 10। अब हमने क्या किया? अब हमको प्रिंट करना था, तो हमने सबसे पहले तो पहली लाइन एज इट इज़ प्रिंट करवानी थी, तो हमने लिख दिया प्रिंट सीरीज ऑब्जेक्ट 1। ये चीज़ एज इट इज़ प्रिंट होगी क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखी हुई है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखी जाने वाली चीज़ एज इट इज़ प्रिंट होती है। नेक्स्ट लाइन पे आए और आपने प्रिंट किया S1 को, तो S1 के अंदर क्या वैल्यू है? S1 के अंदर वैल्यू है 4, 6, 8, 10। क्या आपने यहाँ पर कोई भी इंडेक्स प्रोवाइड किया? नहीं किया, तो डिफ़ॉल्ट इंडेक्स प्रिंट होगा। क्या होगा डिफ़ॉल्ट इंडेक्स? 0, 1, 2 और 3, ये इंडेक्स प्रिंट होगा। चलिए इसका आउटपुट देखते हैं हम। ये देखिए आउटपुट क्या प्रिंट हो गया, सीरीज ऑब्जेक्ट 1 ऊपर लिखा गया। क्यों लिखा गया? क्योंकि
क्योंकि ये आपने जब प्रिंट किया था तो प्रिंट करते टाइम आपने एक लाइन लिखी थी कि जो एज इट इज़ प्रिंट हो, सीरीज ऑब्जेक्ट वन, तो वो सीरीज ऑब्जेक्ट वन यहाँ पर प्रिंट हो गया और जो आउटपुट था वो प्रिंट हो गया। आउटपुट क्या था हमारा, 4 6 8 10, तो ये 4 6 8 10 प्रिंट हो गया। और उसके बाद 0 1 2 3 जो हमारा डिफ़ॉल्ट इंडेक्स था वो भी यहाँ पर आपको प्रिंट होता हुआ दिख गया। आई डोंट थिंक कि आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में कुछ डाउट होगा। ऑल राइट, हम बढ़ते हैं आगे हमारे सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। हमारा सेकेंड एग्जाम्पल बोल रहा है, राइट अ कोड टू क्रिएट अ सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग पाइथन सीक्वेंस 11 21 31 41, अज्यूम दैट पांडाज इज इम्पोर्टेड एज एलियाज नेम पीडी। एज सिंपल एज दैट, कुछ भी नहीं है इसमें भी, यहाँ पर जैसा बोल रहे हैं वैसा करते जाओ, इम्पोर्ट पांडाज एज पीडी। ठीक है भैया, अब S2 वैल्यू नाम दे देते हैं, S1 हमने पहले ही दे दी, पीडी डॉट सीरीज फंक्शन लगाएंगे, पैरामीटर पास करना है, पैरामीटर उनने पैरेंथेसिस में लिखा था तो चलो भैया हमने भी पैरेंथेसिस में लिख दिया 11 21 31 41, और फिर कर दिया प्रिंट सीरीज ऑब्जेक्ट 2 को प्रिंट और S2 की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। तो आउटपुट क्या जनरेट होगा, आउटपुट कुछ इस तरीके का आपको जनरेट हो जाएगा, सीरीज ऑब्जेक्ट 2 एज इट इज़ प्रिंट हो गया स्क्रीन पर। और उसके बाद आपने इंडेक्स दिया नहीं तो 0 1 2 3 डिफॉल्ट इंडेक्स, और जो भी आपने यहाँ पर डेटा प्रोवाइड किया था पाइथन सीक्वेंस में तो वो डेटा आपको यहाँ पर प्रिंट होकर दिख जाएगा। यहाँ पर वैल्यूज़ इंटीजर टाइप की हैं तो यहाँ पर देखो इंटीजर 64 डेटा टाइप यहाँ पर यूज़ हो गया है, क्योंकि ये भी नंपाई के ही डेटा टाइप्स को यूज़ करता है। ये दोनों एग्जाम्पल्स के बाद आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। तीसरा एग्जाम्पल बोल रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग इंडिविजुअल कैरेक्टर्स ओ एच एंड ओ, अज्यूम दैट पांडाज इज इम्पोर्टेड एज पी डी। ठीक है, तो इम्पोर्ट पांडाज एज पी डी, उसके बाद पी डी डॉट सीरीज फंक्शन ओ एच ओ तीनों को अलग अलग दे दिया और प्रिंट सीरीज कर दिया। आप देखो आउटपुट में ओ एच और ओ तीनों अलग अलग प्रिंट हो गया, इंडेक्स डिफॉल्ट था 0 1 2 प्रिंट कर दिया। चौथा एग्जाम्पल ये आप देख सकते हो, सो फनी, ये एक स्ट्रिंग है जो आपको प्रिंट करनी है। तो यहाँ पर देखो उसने सबसे पहले क्या कर लिया, ये देखो कुछ अलग किया इसने, इस बार पहले ये वाली लाइन लिख दी उसने, इस बार पहले लिख दिया प्रिंट सीरीज ऑब्जेक्ट। क्या दिक्कत है उसमें, प्रिंट कर देगा स्क्रीन पर, लिखा दे देगा सीरीज ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद ये वाला फंक्शन लगाएगा, S4 इज इक्वल्स टू पी डी डॉट सीरीज फंक्शन सो फनी। तो सो फनी आपकी वैल्यू स्टोर हो गई किसके अंदर, S4 के अंदर, और आपने आखिरी में S4 को प्रिंट कर लिया। तो देखते हैं आउटपुट कैसा जनरेट हुआ, आउटपुट इस तरीके का जनरेट हुआ, S4, और इंडेक्स कहाँ है, इंडेक्स है 0, क्योंकि आपने इंडेक्स डिफाइन किया ही नहीं है तो इंडेक्स 0 ही रहेगा। सिमिलरली फिफ्थ एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं, फिफ्थ एग्जाम्पल में इन्होंने क्या किया है, आपको प्रिंट करना है तीन वैल्यूज़, आई एम और लाफिंग, तीन वैल्यूज़ आपको प्रिंट करनी है। तो चलो ठीक है, यहाँ पर उसने क्या किया, S5 डॉट पी डी डॉट सीरीज, S5 इक्वल्स टू पी डी डॉट सीरीज, और आई एम और लाफिंग, ये आपके तीन क्या हो गए, अलग अलग आपके पाइथन सीक्वेंस हो गए। और आपने जब इसको प्रिंट किया तो प्रिंट करने पर आपको क्या आउटपुट जनरेट होकर मिला, तो आपको ये आउटपुट जनरेट होकर मिला, आई एम लाफिंग, है ना। यहाँ पर तीन अलग अलग वैल्यूज़ हैं, 0 1 2 उसका इंडेक्स रहेगा। ऑल राइट, तो इस तरीके से आप पाइथन सीक्वेंसेस को इंपोर्ट कर सकते हो। सेकंड क्या था पाइथन सीक्वेंसेस के बाद, था एनडी एरे। आप आपके सीरीज के अंदर एनडी एरेस कैसे इंपोर्ट कर सकते हो, ऑब्जेक्ट्स कैसे बना सकते हो एनडी एरे के साथ, तो चलो देखते हैं। यहाँ पर एनडी एरे बनाने के लिए आपको एक स्पेशल फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा जो है ए रेंज, जो कि हमने नंपाई पढ़ा था तब पढ़ा था। ए रेंज क्या होता है, हमने रेंज फंक्शन देखा अभी पहले, है ना। जैसे मैं ऐसा लिख दूं आपकी स्क्रीन पर, देखो रेंज फंक्शन लिख दिया 0,3, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी रेंज कितनी है, हमारी रेंज है 0 1 और 2, लास्ट वैल्यू 3 है, तो क्या 3 काउंट होगा, नहीं होगा। तो ये था हमारा रेंज फंक्शन, सिंपल रेंज फंक्शन। जब हम 0,3 लिखते थे तो वो यहाँ पर क्या प्रिंट करता था, 0 1 2 वैल्यूज लेता था। पर यहाँ पर अब हम कौन सा फंक्शन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम ए रेंज फंक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ए रेंज फंक्शन क्या करेगा, ए रेंज फंक्शन क्या करेगा, एरेज क्रिएट करेगा, सिंपल, ठीक है। तो एक रेंज का एरे क्रिएट करेगा, ऑल राइट। कैसे क्रिएट करेगा, चलो देखते हैं यहाँ पर कैसे एक रेंज का एरे क्रिएट किया जा सकता है, वो अब हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो आपकी स्क्रीन पर ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कैसे एनडी एरे बनाया जा सकता है। तो देखो इन्होंने एक नाम दे दिया NDA1, क्योंकि NDArray1 नाम देना था तो NDA1 नाम दे दिया।
अब लिख लिया उन्होंने एन पी डॉट ए रेंज, एन पी ध्यान देना, इधर पे पी डी नहीं लिखा है, क्या लिखा है एन पी, क्योंकि नंपाई क्रिएट कर रहे हैं ना, एन डी एरेज कहाँ बनते हैं, नंपाई के अंदर, तो यहाँ पे लिखा हमने एन पी डॉट ए रेंज फंक्शन, और रेंज क्या दे दी 3 से लेकर 13 तक, क्या 13 काउंट होगा, नहीं होगा, और डिफरेंस कितना दे दिया 3.5 का, मतलब क्या करना है आपको 3 के बाद 3.5 जोड़ना है और फिर अगली वैल्यू आएगी, फिर जो अगली वैल्यू आई उसमें 3.5 जोड़ना है, फिर एक अगली वैल्यू आएगी, फिर उस अगली वैल्यू में 3.5 जोड़ना है, फिर एक अगली वैल्यू आएगी, क्या वो 13 से बड़ी है, 13 से बड़ी है तो उसको नहीं लिखना है, 13 से छोटी जितनी भी 3.5 3.5 3.5 जोड़कर जितनी वैल्यूज़ आएंगी वो वैल्यूज़ आपको प्रिंट करना है ना। रेंज वहाँ पर रेंज नाम से कहलाता है वो फंक्शन, पर यहाँ पर अब आप एरे के साथ काम कर रहे हो तो वो इसलिए सिंपल है, ए रेंज नाम हो जाता है, रेंज होता तो 3.13 होता और 3.5 होता तो भी क्या होता, आंसर प्रिंट होता 3, 3 के बाद प्रिंट होता 6.5, 6.5 के बाद प्रिंट होता 10, और 10 के बाद प्रिंट होता 13.5, पर क्या 13.5 13 से छोटा है, नहीं है, तो आंसर सिर्फ 3 ही आते हैं, क्या 3, 6.5 और 10, 3 आउटपुट आते। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर आपने ये इतना कोड लिखा है तो इस पूरे कोड का मतलब भी वही होता है, क्या कि आपने यहाँ पे एक एनडी एरे बनाया है जिसके अंदर 3 वैल्यू हैं, और तीनों वैल्यू कौन कौन सी हैं, तो वो तीनों वैल्यू हैं 6, 6.5 और 10, तो ये देखो ये वैल्यूज़ यहाँ पर आपकी कौन कौन सी होंगी, 6, 6.5 और 10। अब आपने क्या किया, आपको ये वैल्यूज़ पता चल गई, आपने सबसे पहले तो क्या किया, यहाँ पर उसको क्रिएट किया एन डी एरे को, एन डी ए एन पी डॉट ए रेंज फंक्शन 3.13.3.5, इतना करने के बाद आपने एन डी ए 1 को प्रिंट कर लिया, मतलब आपने चेक कर लिया कि इस एरे में क्या क्या वैल्यूज़ आई, तो क्या क्या वैल्यूज़ आई इसके अंदर, 3, 6.5 और 10 वैल्यूज़ आई। अब आपने क्या किया, अब आपने एक सीरीज़ क्रिएट करी, और उस सीरीज़ में अब आपने यूज़ किया पी डी डॉट सीरीज़ फंक्शन, और जो एन डी ए 1 के अंदर वैल्यूज़ हैं मतलब 3, 6.5 और 10, उनको इस एस ई आर 1 में डाला है और उसको आपने सीरीज़ 1 के तौर पर प्रिंट कर दिया, तो इस तरीके से आपको जो आउटपुट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरीके का होगा, जहाँ पर दिखेगा 0, 1, 2 इंडेक्स और 3, 6.5 और 10, ये आउटपुट आपको प्रिंट होता हुआ मिलेगा। ऑलराइट, तो ये एक तरीका है जिससे हम एन डी एरेज को भी क्रिएट कर सकते हैं पाइथन के अंदर, पर ऐसा नहीं लग रहा 4 लाइन का कोड, काफ़ी बड़ा कोड कर रहे हैं हम इसको, एन डी ए 1 की वैल्यू ले रहे हैं, एन पी डॉट ए रेंज फंक्शन, फिर 3.13.3 वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं कि 3 से 13 के बीच में 3.5 का डिफरेंस देकर वैल्यूज़ ऐड कर दो, फिर एन डी ए 1 को प्रिंट करके चेक कर रहे हैं, फिर अल्टीमेटली एक सीरीज़ बना रहे हैं उसमें एन डी ए 1 की वैल्यू को डाल रहे हैं, फिर सीरीज़ 1 को प्रिंट कर रहे हैं, इतना सारा काम करना पड़ रहा है हमको, क्या ये काम एक लाइन में नहीं हो सकता, हो सकता है, क्या करेंगे हम सिंपली ऐसा लिख देंगे सीरीज़ 1 इज इक्वल्स टू पी डी डॉट सीरीज़, और यहाँ पर ये जो एन डी ए 1 लिखा है यहाँ पर सिंपली हम इतना लिख देंगे, तो क्या होगा एक ही लाइन में आ जाएगा और अगली लाइन में हम लिख देंगे प्रिंट, काम खत्म, देखते हैं हम, ये देखो क्या किया हमने, यहाँ पर हमने एस सी आर 1 ले लिया और एस सी आर 1 के अंदर क्या लिख दिया, पी डी डॉट सीरीज़ फंक्शन लगा दिया, और जो पूरा हम एन डी ए 1 में वैल्यू डाल रहे थे एन पी डॉट ए रेंज 3.13.3.5 इसकी वैल्यू आ रही थी, उसको एन डी ए 1 में डाल रहे थे, फिर वो एन डी ए 1 की वैल्यू को पी डी डॉट सीरीज़ में डाल रहे थे, तो इतना करने से अच्छा एक ही लाइन में लिख दो ना सीरीज़ 1 और पी डी डॉट सीरीज़, यहाँ पे एस कैपिटल आना था, स्मॉल लिखा हुआ है, ठीक है, तो पी डी डॉट सीरीज़ फंक्शन, और यहाँ पे आपने लिख दिया एन पी डॉट ए रेंज 3.13.3.5, तो एक लाइन में लिखकर भी इस पूरे कोड का ये आउटपुट जनरेट करवाया जा सकता है इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट इन 4 डिफरेंट लाइन्स, है ना, सिंगल लाइन में लिखकर भी हम इस कोड को जनरेट कर सकते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, अब देखिए अब इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं इस एन डी एरे के साथ, चलो देखते हैं क्या एग्जांपल्स हैं, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग एन एन डी एरे दैट हैज़ 5 एलिमेंट्स इन द रेंज ऑफ 24 से 64। अभी देखो एक और नई चीज़ आ रही है यहाँ पर, हमने वहाँ पर जब नंपाई पढ़ा था तब हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जैसे 1 से लेकर 10 तक के ऑब्जेक्ट्स हमको डालना है एक एरे के अंदर और उसके 5 टुकड़े करने हैं,
तो एक फंक्शन होता था, वो क्या करता था, वो इक्वल टुकड़े करके ऑटोमेटिकली लॉजिकली जनरेट करके दे देता था। जैसे बोले बोला एक से लेकर दो, 0.2 के बीच में मुझे 5 टुकड़े करना है, तो वो 0.2 0.2 के 5 टुकड़े मुझे ऑटोमेटिकली करके दे देगा। मुझे बना बना के उसको बताना नहीं पड़ेगा कि 0.2 0.4 0.6 0.8 और 1.0 ये वैल्यू लो, नहीं, बिना बताए आप बस रेंज दे दो 0.2, वो ऑटोमेटिकली 0 से लेकर 1 के बीच में 5 टुकड़े कर देगा। तो ऐसा एक फंक्शन था जो हमने नंपाई में पढ़ा था, उस फंक्शन का नाम क्या था, उस फंक्शन का नाम था लाइन स्पेस फंक्शन। लाइन स्पेस फंक्शन क्या करता है, आप सिंपली एक रेंज बता दो, ये यहाँ पर जैसे हमने एक रेंज बता दी है, ये देखो ये हमने एक रेंज बता दी, क्या रेंज बता दी, 24 से लेकर 64, ये रेंज है हमारी, इस रेंज के कितने टुकड़े करना है, तो हमको इस रेंज के 5 टुकड़े करना है। तो सिंपली आप क्या करोगे, एनपी डॉट लाइन स्पेस फंक्शन लगाना, क्योंकि ये नंपाई का फंक्शन है, तो एनपी डॉट लाइन स्पेस फंक्शन लगाना और 24.64 लिखना और कॉमा लगा के 5 लिख देना। इसका मतलब ये हुआ 24 और 64 जो हमारी ये दो वैल्यूज़ हैं, इन दो वैल्यूज़ को इंक्लूसिव दीज टू वैल्यूज़ हमको क्या करना है, इनके 5 टुकड़े करना है। ये लाइन स्पेस फंक्शन ऑटोमेटिकली 24 से लेकर 64 के बीच में आपकी जो वैल्यूज़ हैं उनके 5 टुकड़े करके दे देगा। ऑलराइट, तो देखते हैं क्या होगा इस फंक्शन को यूज़ करने का तरीका। हमने लिख दिया S6, एग्जाम्पल नंबर 6 है, तो S6 PD डॉट सीरीज फंक्शन लगाया, NP डॉट लाइन स्पेस फंक्शन लगाया। लाइन स्पेस क्या करेगा, टुकड़ों में डिवाइड करेगा, कितने टुकड़े बोले आपको, 5 टुकड़े बोले, 5 टुकड़े आपने लगा दिए, वैल्यूज़ क्या थी, 24 से 64, तो 24.64.5, तो यहाँ पर ये उसको 5 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। और देखो 5 टुकड़ों में डिवाइड करने के बाद आउटपुट क्या आया, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये उसने ऑटोमेटिकली आपको आउटपुट जनरेट करके बताया है, जो कि क्या होने वाला है, जो कि होने वाला है 24, 34, 44, 54 और 64। ऑटोमेटिकली उसने यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया, आपको कुछ नहीं करना पड़ा, आपने सिंपली एक एनडी एरे बनाया और उस एनडी एरे पे एक फंक्शन लगाया जो कि था लाइन स्पेस फंक्शन, और उससे उसने उसको कन्वर्ट कर दिया है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 7 हमारा डील कर रहा है किससे, एक नए फंक्शन से जो कि हमने यहाँ पर नंपाई के अंदर नहीं देखा था, जो कि होता है टाइल फंक्शन। ठीक है, टाइल फंक्शन बहुत सिंपल सा फंक्शन है। टाइल फंक्शन का काम क्या होता है, किसी वैल्यू को बार बार रिपीट करना होता है टाइल फंक्शन का काम। ठीक है, तो देखो इस प्रोग्राम को समझते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग एन एनडी एरे दैट इज क्रिएटेड बाय टाइलिंग अ लिस्ट। लिस्ट क्या है हमारी, 3.5। ठीक है, ये हमारी लिस्ट है 3, 5, दो वैल्यूज हैं लिस्ट के अंदर, 3 और 5, इसको क्या करना है, हमको टाइल करना है, और टाइल कितनी बार करना है, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर स्क्रीन पर, इन्होंने टाइल करना है आपको ट्वाइस, मतलब 2 बार ये वैल्यू को रिपीट करना है। जब 2 बार ये वैल्यू को रिपीट करना है, तो ये नंपाई का एक फंक्शन है टाइल फंक्शन, इसको आपको यूज़ करना पड़ेगा। कैसे यूज़ करोगे, तो देखो जब आपको इस तरीके से कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा एनपी डॉट टाइल और ब्रैकेट के अंदर लिस्ट की वैल्यू, लिस्ट क्या है 3.5, कितनी बार टाइल करना है, ट्वाइस, तो यहाँ पर कॉमा लगा के इन्होंने लिख दिया 2, तो क्या होगा, 2 बार ये वैल्यूज़ लिखेगा 3, 5 और 3, 5, मतलब ये कितनी वैल्यूज़ प्रोड्यूस करने वाला है, 3, 5, 3, 5, 4 वैल्यूज़ प्रोड्यूस करने वाला है अब ये वाला हमारा स्ट्रक्चर। चलो देखते हैं साइड में क्या आंसर प्रोड्यूस हुआ, ये देखो क्या हुआ, 3, 5, 3, 5, 4 अलग अलग यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेगा, क्योंकि हमने टाइल कर दिया है, हमने उसको रिपीट कर दिया है ट्वाइस। थ्राइस करना होता तो क्या करते, थ्राइस करना होता तो सिंपली आपकी ये जो पोजीशन है, आप इस पोजीशन पे 2 की बजाय क्या लिख देते, 3, तो वो 3, 5, 3, 5, 3, 5, ऐसी 3 वैल्यूज़ प्रिंट कर देता। इंडेक्स क्या होता, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऑलराइट, तो ये कुछ इन्होंने यहाँ पर हमको बताया हुआ है। नेक्स्ट जो टाइप है, आप पाइथन डिक्शनरी कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, डिक्शनरी में क्या होता था, की वैल्यू पेयर्स होते थे, तो आप जल्दी जल्दी देखते हैं डिक्शनरी कैसे बनेगी। तो ये देखो ये होती है आपकी डिक्शनरी, Jan 31 ये लिखा हुआ है, Feb 28, Mars 31, ये कुछ आपने एक डिक्शनरी बना दी वैल्यूज़ को लेकर। अब आपको इन 3 वैल्यूज़ को लेकर आपको एक सीरीज प्रिंट करना है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखना, यहाँ पर जो ये आपकी कीज़ होती हैं, ये तीनों जो आपकी कीज़ हैं, ये तीनों कीज़ आपका किसके जैसा काम करेंगी, ये तीनों कीज़ आपका काम करेंगी इंडेक्स के जैसा।
और ये जो तीन वैल्यूज़ हैं आपकी, ठीक है, ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपके डेटा का काम करेंगी। दो पार्ट में डिवाइड होगी आपकी, ये जो भी आप डिक्शनरी बनाते हो, ये जो चीज़ें हैं जिनको हम बोलते हैं की, ये की क्या कहलाएंगी, ये की कहलाएंगी हमारा इंडेक्स, और ये जो वैल्यूज़ हैं 31, 28, 31, ये हमारा क्या कहलाएंगी, ये हमारा वैल्यूज़ कहलाएंगे, हमारा डेटा कहलाएंगी। ऑलराइट, चलिए देखते हैं क्या होता है, कैसे कन्वर्ट होता है, सारी चीज़ को अब हम समझते हैं। यहाँ पर देखो इन्होंने क्या कर दिया है, ओबीजे फाइव क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट नंबर फाइव, और पीडी डॉट सीरीज फंक्शन लगा दिया, और उसके अंदर लिख दिया आपकी डिक्शनरी, और ओबीजे फाइव को प्रिंट कर दिया। यहाँ पर कोई एनपी की यूज़ नहीं होगी, नंपाई का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ये थर्ड टाइप पढ़ रहे हैं हम। सेकेंड टाइप में नंपाई का यूज़ था, जहाँ पर एनडी एरे बनाने थे, एरे बनाने थे तो नंपाई का यूज़ करना ही था ना, ये कोई एरे तो है नहीं, ये तो सिंपल डिक्शनरी है, तो डिक्शनरी में एरे बनाने की तो कोई नीड होनी ही नहीं है हमको। तो यहाँ पर आपको कुछ भी एरे क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब एनपी का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपली क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट फाइव ले लिया, उसमें पी डी डॉट सीरीज फंक्शन लगा दिया, और जो भी आपका पूरा डिक्शनरी था वो डिक्शनरी लिख दी, और ओबीजे फाइव को जैसे ही आपने लिख कर प्रिंट किया, या तो प्रिंट ओबीजे फाइव लिख दो या ओबीजे फाइव लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही आप यहाँ पर ये फंक्शन लगाते हो तो देखो इंडेक्स क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका इंडेक्स, जो आपकी कीज़ थी वो अभी यहाँ पर क्या बन चुकी हैं, यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की है, सीरीज स्ट्रक्चर की, जो भी आपकी कीज़ होती हैं डिक्शनरी के अंदर वो इंडेक्स के जैसा काम करती हैं। ऑलराइट, और जो ये आपकी वैल्यूज़ होती हैं डिक्शनरी के अंदर, वो वैल्यूज़ किसके जैसा काम करती हैं, तो वो डेटा के जैसा काम करती हैं, इतना हमको पता होना चाहिए। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एग्जांपल नंबर 8 दिया हुआ है, जिसमें एक सीरीज़ दी है, जिसमें आपको क्लास 12th, अपने स्कूल की क्लास 12th के सेक्शंस में कितने कितने बच्चे हैं उसकी लिस्ट बनाना है, उसकी डिक्शनरी बनाना है। तो आपने बना लिया, ए सेक्शन में 39 है, बी सेक्शन में 41 है, सी सेक्शन में 42 है, डी सेक्शन में 44 है, ये आपने बना ली एक डिक्शनरी। तो ए बी सी डी ऑलरेडी आपका इंडेक्स बन जाएगा, ये देखो ये बन गया आपका इंडेक्स, और 39, 41, 42, 44 जो है वो आपकी डेटा बन जाएगी, तो ये बन गया आपका डेटा। और लिखने का तरीका ये यहाँ पर दिया हुआ है, एस टी यू नाम दे दिया है उन्होंने, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ऑब्जेक्ट का एस टी यू नाम दिया है क्योंकि स्टूडेंट्स को रिलेट करना था, तो एस टी यू नाम दे दिया। और यहाँ पर ए बी सी डी की वैल्यू पेयर्स का इन्होंने यूज़ किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अब स्केलर वैल्यूज़ कैसे इनपुट करते हैं, स्पेसिफाइंग डेटा एज स्केलर वैल्यूज़, तो स्केलर वैल्यूज़ इनपुट करने का क्या तरीका होता है, ये आई थिंक आज की क्लास में कवर नहीं हो पाएगा, तो हम स्केलर वैल्यूज़ का डेटा इनपुट करना नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हमने तीन टाइप्स पढ़ लिए हैं, जो सीरीज़ स्ट्रक्चर के अंदर डेटा किस तरीके से पाइथन सीक्वेंस के थ्रू इनपुट किया जा सकता है वो हमने देख लिया, उसके बाद हमने देख लिया एनडी एरेज़ के फॉर्म में कैसे इनपुट किया जा सकता है, और डिक्शनरी के थ्रू कैसे इनपुट किया जा सकता है, ये तीन चीज़ हमने देख ली। कल हम देखेंगे कि स्केलर वैल्यूज़ के साथ में ये डेटा को कैसे इनपुट किया जा सकता है, तो वो हमारा फोर्थ एंड लास्ट वे होगा जिससे कि सीरीज डेटा को इनपुट किया जा सकता है, उसको हम कल की क्लास में देखने वाले हैं। आज के लिए मैं आप लोगों को ये जो पीडीएफ मैंने ऑलरेडी अभी ग्रुप पे शेयर किया हुआ है, तो उसमें से आप लोग एक काम कीजिएगा, ये जो आठों एग्जाम्पल्स हैं जो हमने अभी समझ लिए, इन आठों एग्जाम्पल्स को एक बार आप फिर से देखना, एक बार आप फिर से समझना, और देखना कि क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो एट अ टाइम वहीं पर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट करो, मैं डेफिनेटली वहाँ पर एज सून एज पॉसिबल आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा। अदरवाइज़ वी हैव अवर ग्रुप, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट ऑन दैट ग्रुप एज वेल, तो वहाँ पर भी मैं आप लोगों को रिस्पॉन्ड करके जो भी आपके डाउट्स होंगे उन डाउट्स को वहाँ पर क्लियर कर दूंगा। आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा एक बार, पीडीएफ देखना पड़ेगी एक बार, खुद से समझना पड़ेगा एक बार, तभी जाकर आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। मेरे समझाने के बाद भी एक बार देख लेंगे तो ये चीज़ लॉन्ग टाइम के लिए क्लियर हो जाएगी, आपको इसके बाद इसको बार बार पढ़ने की, बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो जितना आपको दिया है, जितना आज हमने पढ़ा है, इसको ज़रूर से रिवाइज़ करें, और मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।